नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में दोस्तों जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर भी कमजोर होने लगता है डाइजेशन भी कमजोर होने लग जाता है और जब व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष की होती है तो व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम को पूरी तरह से एब्जोर्व करने की क्षमता नहीं रहती है ऐसे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने का खतरा एक आम बात है इसके अलावा भी कई कारण ऐसे होते हैं जिनसे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है जैसे कुछ लोगों को ज्यादा मीठा खाना पसंद होता है या कुछ लोग अनहेल्दी खाना पसंद करते हैं जिनसे ये परेशानियां होती रहती हैं क्योंकि दोस्तों आजकल सभी लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं आजकल लोग पिज्जा बर्गर मोमोज चौमिन आदि ये चीजें ज्यादा खाते हैं जो कि मैदे से भरपूर होती हैं और इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी होने लग जाती है दोस्तों ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी सिर्फ 30 साल के बाद ही हो ये किसी को भी हो सकती है चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो या बच्चा हो अध्ययन के अनुसार आजकल लोगों को कम ही उम्र में होने का खतरा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आज के समय में खाने में कोई भी हेल्दी खाना नहीं लेता है जो मन में आया खा लेते हैं जिस कारण ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है यदि आप भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन नहीं लेते हो तो आपको भी डर है की कहीं आप भी समय से पूर्व इसके शिकार ना हो जाएं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं नंबर एक कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन न लेने से होती है लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और दोस्तों हमारी वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर और ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कैल्शियम की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं नंबर एक कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन न लेने से होती है नंबर दो कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है क्योंकि महिलाओं को कई दौर से गुजरना होता है जैसे मासिक धर्म गर्भ धारण और ब्रेस्ट फीडिंग नंबर तीन अधिक दिनों तक सूरज की रोशनी को ना लेने से भी कैल्शियम की कमी होने लगती है नंबर चार ड्रिंकिंग सोडे का अधिक सेवन करने से भी कैल्शियम की कमी होने लगती है नंबर पाँच विटामिन सी की कमी से भी कैल्शियम की कमी होना एक साधारण सी बात है नंबर सात अधिक कैफिन युक्त चीजों का सेवन करना जैसे कि चाय कॉफी आदि चीज़ों का सेवन करने से भी शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है दोस्तों अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है जैसे कि आपकी हड्डियों का कमजोर होना उठते बैठते समय दर्द होना मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होना और बहुत ही जल्दी थकान होना कमजोर दांत कमजोर नाखून झुकी हुई कमर बालों का टूटना या झड़ना कैल्शियम की कमी के मुख्य लक्षण है नींद ना आना डर लगना और दिमागी टेंशन रहना भी कैल्शियम की कमी से ही होता है शरीर का सुन हो जाना और हाथों पैरों में जुन सी आना भी कैल्शियम की कमी का एक मुख्य कारण है यादाश्त कमजोर होना और अधिक डिप्रेशन में रहना भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसे करके आप कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं दोस्तों कैल्शियम की कमी को दूर करना कोई बड़ा काम नहीं है आप बस अपने रोज के काम में थोड़ा सा बदलाव करके इस कमी को दूर कर सकते हैं थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालिए और हमारी बताई हुई इस जानकारी को पूरा देखिए तो आप कैल्शियम की कमी से दूर हो सकते हैं और आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी नंबर एक अदरक की चाय दोस्तों एक बर्तन में डेढ़ कप पानी लें और उसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा पीस कर डाले और उसे उबाल ले जब पानी एक कप रह जाए तो उसे चाय की तरह पिए इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी तिल का सेवन दोस्तों तिल का सेवन सर्दियों में करना काफी फायदेमंद होता है एक तो तिल आपके शरीर को गर्म रखता है और दूसरा इससे आपके शरीर की कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है रोजाना दो चम्मच भुने हुए तिल का सेवन करें यदि आप चाहें तो स्वाद बदलने के लिए तिल की चिक्की और लड्डू भी खा सकते हैं राई का सेवन हफ्ते में कम से कम दो बार राई से बनी हुई इडली दलिया या चिल्ला खाए इससे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और आप जल्द ही कैल्शियम की कमी से निजात पा पालें जीरे का पानी दोस्तों एक बर्तन में दो गिलास पानी लें और फिर इसमें जीरा डालें और भिगो कर रखे और सुबह इस पानी को उबाले जब तक पानी आधा ना रह जाए और फिर इस पानी को छान कर पी लें यह आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है इससे आपका वेट लॉस तो होगा ही सही साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कैल्शियम कैल्शियम की कमी है तो ये कैल्शियम की कमी भी आपके शरीर में पूरी करेगा विटामिन डी युक्त पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना दोस्तों आपको विटामिन डी वैसे तो सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त हो जाता है लेकिन ये केवल सुबह आठ से दस बजे तक ही मिलती है इसलिए आपको अपने भोजन में कुछ ऐसे पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए जिससे आपको विटामिन डी मिले जैसे वसा युक्त मछली दूध अनाज पनीर अंडा और मक्खन इत्यादि मैग्नीशियम युक्त पदार्थों का सेवन जैसे हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है इसलिए हमें भोजन में ऐसे पदार्थों को भी लेना चाहिए जिनसे मैग्नीशियम की कमी पूरी हो सके जैसे पालक शलगम सरसों ब्रोकली एवोकेडा खीरा साबुत अनाज कद्दू के बीज तिल के बीज बादाम और काजू इत्यादि और दोस्तों अपनी सब्जियों में टमाटर ककड़ी मूली मेथी करेला चुकंदर और हरे पत्तेदार सब्जियाँ और पालक आदि को जरूर शामिल करे पपीता पपीते का सेवन दोस्तों no, पपीते में ढेर सारा विटामिन सी होता है रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी होती है उनमें जोड़ों का दर्द एक आम बात है इसलिए उन्हें नियमित रूप से पपीते का सेवन करना चाहिए इससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है सेब का सेवन दोस्तों सेब no, खाने से आप जोड़ों के दर्द और उसकी क्षतिग्रस्त होने से बच सकते हैं दोस्तों सेब खाने से आप जोड़ों के दर्द से और जोड़ों को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं सेब जोड़ों में कोलाजन बनाने में मदद करता है जो की घुटने को झटके लगने से बचाता है जिससे घुटने खराब नहीं होते क्योंकि सेब में आयरन पाया जाता है जो कि आपके खून में आयरन की कमी को पूरा करता है यानी हम कह सकते हैं कि सेब के सेवन से एक साथ दो कमियों को पूरा किया जा सकता है एक तो जोड़ों और घुटनों की समस्याओं से बच सकते हैं दूसरा खून में आयरन की कमी भी दूर होती है ग्रीन टी का सेवन यह जोड़ों के कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है ग्रीन टी में एंटी होता है जिससे रेडिकल्स हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते रोजाना एक कप ग्रीन टी आपको जोड़ों के दर्द से बचा सकता है अदरक का सेवन दोस्तों अदरक को हम एक औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं अदरक में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो दर्द और सूजन से तुरंत राहत देता है आप चाहे तो अदरक को चाय में डालकर पी सकते हैं यदि आप चाय में नहीं लेना चाहते तो आप इसे भोजन में डालकर पकाकर भी खा सकते हैं तो दोस्तों ये थे कैल्शियम की कमी के कारण कैल्शियम की कमी के लक्षण और कैल्शियम की कमी को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेठ जी के नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद